अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे है हमारे शोरूम के कपड़ों को हाथ लगाने की? कपड़े गंदे करेगा क्या? मैडम, ये आप कैसे बात कर रहे हो? आपको बात करने की तमीज नहीं क्या? हाँ, तेरे जैसे कस्टमर से ना ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं होती कपड़े खरीदने की, बस यहाँ पे आके हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैडम ऐसा मत बोलो, मेरे पास पैसा है, मेरे को ना वो पीली वाली शर्ट पसंद आई है। कितने की है वो? पीली वाली शर्ट तेरी औकात से बाहर है, तेरे मुंह पे तो थप्पड़ मारूंगी ना, उछलता हुआ दुकान से बाहर जाएगा। फालतू का टाइम वेस्ट करने आ गया यहाँ पे, तेरे को पीली क्या? मैं काली शर्ट भी ना दूं फ्री में पहनने के लिए, बदतमीज। और टीचर गरीब आ गया खाली जेब लेके और हमारे सारे कपड़े गंदे कर रहा है। मैडम आप ऐसे मत बोलो, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं वो वाली शर्ट खरीदना चाहता हूँ, वो दे दो। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ दूंगी। अरे रिंकी क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रहे इन पे? सर देखो ना, ये फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारे कपड़े छू रहा है, आपको पता ही है कितना टाइम लगता है इनको ठीक करने में, गंदे कर देगा सारे, बस इसलिए मैं चिल्ला रही थी। सर देखो, मैं ना आपका कस्टमर हूँ और मेरे को ना वो पीले वाली शर्ट है ना वो पसंद आई है, पर मैडम ना मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है। अरे रिंकी कुछ नहीं होता, वो हमारे कस्टमर है, हमको ऐसे बात नहीं करना चाहिए उनसे, अच्छे से पेश आना चाहिए। सर इसकी हालत तो देखो ना, इसके कपड़े ना इसके चप्पल, अगर इसके पास पैसे होते ना कपड़े खरीदने के तो सबसे पहले अपनी हालत सुधार लेता, ढंग की चप्पलें तो है नहीं पैर में। रिंकी कौन सी शर्ट पसंद है आपको? भैया आप बहुत अच्छे हो, इनको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। वो जो पीली वाली शर्ट है ना, कौन सी वाली पीली? हाँ वो जो ये वाली शर्ट है ना भैया, ये वाली शर्ट। अरे भैया करता तो छोड़, तभी तो शर्ट बताऊंगा। तेरी ना औकात नहीं है शोरूम से कपड़े खरीदने की, समझ गया? जाके बुध बाजार से कपड़े खरीद, बाहर तेरे लिए मार्केट लगी है तेरे जैसों के लिए। भैया लगता है आपको गलत फहमी है, मेरे पास ना बहुत पैसा है, मैं ना जब मॉल से कपड़े खरीदता हूँ, और ये वाला शर्ट दे दो ना, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है ये शर्ट। अबे ओए यहाँ पे ना पैसों के साथ साथ औकात भी चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। साले फटीचर तेरी औकात कैसे हो गई जो तू इस मॉल में घुस के आ गया? सर मैं तो कहती हूँ उसको धक्के मार के बाहर निकाल दो, इतना फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास। रिंकी दोबारा इन जैसों को अंदर मत आने देना, और नजर रखा करो इन जैसों पे। ठीक है सर, चलो अपना काम। मेरे को दुकान से भगा दिया, पर हाँ कपड़ा तो बहुत अच्छा था, एक बार और मांग के देखता हूँ, क्या पता इस बार दे देंगे, पूछ के देखता हूँ। भैया वो पीले वाली शर्ट दे दो ना। अबे निकलता है कि टांगे तोड़ू एक, चल। ऐसा तोड़ू होता है, पैसा होने के बाद भी कपड़ा नहीं दिया, अब घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा कभी, बाहर सब गंदे। रोशन क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? मैं कपड़े लेने गया था ना दुकान पे। हाँ उन्होंने मुझे मारा, और यहाँ पे भी मारा, यहाँ पे भी मारा, बहुत मारा। किसने मारा तुझे? वहाँ पे काम करते थे, यहाँ पे मारा, यहाँ पे भी मारा, बोला ना तेरी औकात नहीं है। अच्छा उन्होंने ऐसा कहा? आने दे तेरे भैया को, देख उनसे शिकायत करेंगे और भैया तेरे साथ जाएंगे, फिर उन्हें बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे उन्हें, देख ले। नहीं काका मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मैं आज के बाद कभी कपड़े नहीं लूंगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, भैया आएंगे, भैया से शिकायत करेंगे, भैया तेरे साथ चलेंगे बेटा, और वो तुझे कपड़े दिला के लाएंगे बेटा, चिंता मत कर, घबरा मत बेटा। बेटा तू बैठ, थोड़ा आराम कर, मैं खाना लेके आ रहा हूँ तेरे लिए, खाना खाइयो और आराम करियो, अभी भैया आएंगे जब देख लेंगे, ठीक है बेटा? मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मैं बस जाके भैया को बताऊंगा। हाँ भैया आएंगे ना, भैया को बोलूंगा मारो ना मेरे को, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक भैया नहीं आएंगे।
मेरे को समझ ही करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। काका एक गिलास पानी देना। लाया बेटा। थैंक यू काका। रोशन नजर नहीं आ रहा, रोशन कहाँ है? बेटा वो अंदर रो रहा है बेटा। क्या रो रहा है, पर क्यों? हाँ बेटा, वो कपड़े लेने गया था तो दुकानदार ने उसकी बेइज्जती करके उसे बाहर निकाल दिया, कहा तेरी औकात नहीं है कपड़े लेने, और वो रोता रोता वापस आया बेटा। और बेटा जाओ उसे समझाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है काका, मैं रोशन से जाके बात करता हूँ। ठीक है। रोशन, रोशन खड़ा हो। या। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? भैया क्या हुआ ना, मैं ना आज सुबह आपको बिना बताए ना कपड़े लेने गया था, तो मैं कपड़े की दुकान में घुसा ना, तो मेरे को ना पीले कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगी। मैंने दुकानदार को बोला वो शर्ट मुझे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे मारा और बोल रहे तेरी औकात नहीं है, तू फटे कपड़े पहन के आया है और चप्पल में आया है। भैया बहुत मारा उन्होंने मुझे। कौन है वो दुकानदार, कहाँ है वो दुकान? भैया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना वो मार्केट है ना, मार्केट में दुकान है, आज के बाद मैं कभी कुछ लेने नहीं जाऊंगा। भैया तू चला मेरे साथ, चल मैं उनको सबक सिखाऊंगा, हम दोनों मिलके मारेंगे उसे, ठीक है? तू चल मेरे साथ में। मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग ना बहुत गंदे हैं भैया, मारते हैं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे को शर्ट पसंद थी भैया। तेरे को मेरे पर विश्वास है ना, है ना? तेरा भैया बहुत स्ट्रांग है ना, तो आ सबक सिखाएंगे उनको। हाँ उस दुकान पे लेकर चल मुझे, आ जा चल। पर मारेंगे तो मैं मारूंगा उनको, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरी बारी है, चलो भैया। हाँ आज बताएंगे। अरे विनय सर आइए ना, बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। गुड इवनिंग सर। अरे निखिल साहब के लिए चाय लेके आ। जी भैया लेके आया। बताइए सर कैसा आना हुआ आपको? अरे मुझे अपने छोटे भाई के लिए 2-3 शर्ट चाहिए थी। अरे बिल्कुल सर, ये शोरूम आप ही का तो है। रिंकी अरे रिंकी ये विनय भैया हैं, सौरभ भैया के बेस्ट फ्रेंड है, और जब उन्होंने ये शोरूम खोला था ना तो इन्होंने ही उनकी बहुत हेल्प करी थी, और भैया उन्हें बहुत मानते हैं। ठीक है सर, मैं आपको ना हमारे शोरूम की सबसे बेस्ट शर्ट दिखाती हूँ। वैसे साइज क्या है? मीडियम साइज है, और आप 2-3 अच्छी सी शर्ट दिखा दीजिए। ठीक है सर, ये देखो ये कलर ना ट्रेंड में है। भैया वो पीली वाली शर्ट। सर ये फिर आ गया यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट करने। इस हरामी को मैं अभी बताता हूँ मैं। अबे हरामी तू फिर आ गया, तेरे को सुबह ही भेजा था ना डांट के, सर के सामने हमारी बेइज्जती कर रहा है। तेरे को मैं पहले ही समझा रहा हूँ, यहाँ से चला जा चुपचाप, कस्टमर का टाइम हो रखा है, हमारा टाइम बर्बाद मत कर। भैया फिर से वही बोल रहा हूँ, मेरे को पीली वाली शर्ट दे दो ना। ओए तेरे को मार मार के ऐसा लाल पीला करूंगा ना, पीली वाली शर्ट भूल जाएगा तू। धर्मेंद्र क्यों डांट रहा भाई उसको? अरे सर देखिए ना, इन जैसे लोगों को कपड़े उपड़े कुछ खरीदने नहीं होते हैं, हमारा टाइम बर्बाद करने आ जाते हैं। तेरे को कैसे पता कि उसे कपड़े लेने नहीं लेने हैं? वो कस्टमर है, तेरा काम है खाली कपड़े दिखाना, तो कपड़े क्यों नहीं दिखाता उसे? सर हम कस्टमर का ना होलिया देख के बता देते हैं, और वैसे भी ना इसकी कोई औकात नहीं है जो ये यहाँ से कपड़े खरीद सके। तुझे कैसे पता किसकी औकात है या नहीं है? पता इसकी क्या औकात है? क्या औकात है सर इसकी? ये मेरा छोटा भाई है। देखा भैया, मैंने कहा था ना कि इसने मुझे मारा था और कपड़े भी नहीं दिए, आपने सब अपनी आंखों से देखा है, और वो भीम साहब है ना, वो भी मुझे मारती, क्या पीठ पे मारा इन्होंने मेरे को। चला ना।
धर्मेंद्र तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मैं तुझे बहुत अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज तू मेरी नजरों में गिर गया। तेरा काम है खाली कस्टमर को कपड़े दिखाना, जज करना नहीं कि वो कपड़े खरीद सकता है नहीं खरीद सकता। सबसे गलत बात होती है एक इंसान को उसके कपड़ों से जज करना। तेरे को लगा ऐसे पजामे में और टी शर्ट में और चप्पल में आ गया तो ये कपड़े नहीं खरीद सकता, अगर ये अच्छे कपड़े पहन के आता तो तुम इसे कपड़े बेच देते। सबसे गलत पैरामीटर है ये। I'm sorry सर, एक्चुअली ना मुझे पता नहीं था आपका छोटा भाई है। अच्छा, अगर मेरा भाई ना होता तो कस्टमर के साथ में ऐसे बिहेव करेगा है? एक बात बता, मैं सौरभ को बताऊं कि तुम कस्टमर के साथ में ऐसे बिहेव करते हो? सर प्लीज सर, सौरभ सर को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। भैया उन्होंने भी धक्का मारा था। क्यों मैडम, बोलूं सौरभ से मैं? दिलवाओ को नौकरी से यहाँ से। I'm really sorry सर, अगर हमें पता होता तो हम कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते। वैसे मैम एक बात बोलूं, आप लोगों का काम नहीं है किसी के कपड़ों से उसे जज करने का। कस्टमर ने चाहे अच्छे कपड़े पहने हो या ना पहने हो, आपका काम है खाली अपनी ड्यूटी निभाना, उसे कपड़े दिखाना। और वैसे भी ना सबसे बुरी बात होती है किसी इंसान को उसकी जॉब से या उसके कपड़ों से जज करना। और एक चीज बोलूंगा कि हमेशा कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कस्टमर भगवान के समान होता है, समझ रहे? उम्मीद करता हूँ आगे से तू ये गलती नहीं करेगा। I'm sorry सर, मुझसे गलती हुई और भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी किसी को उसके कपड़ों से या उसके काम से जज नहीं करना चाहिए, हमेशा हर व्यक्ति की इज्जत करनी चाहिए। हमारा मकसद हमेशा एक ही होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाना हम कर रहे हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।